गरीब का क्ले जीप। एक गांव में एक धनवान का बेटा रहता था, नाम था सौरभ। घर के सभी लोग उसे कई किस्म के महंगे महंगे खिलौने खरीद कर देते थे। उनके घर के पास ही एक झोपड़ी में चिराग नाम का लड़का रहता था। सौरभ अपने महंगे खिलौने चिराग को दिखाता और उसका मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन चिराग रोते हुए अपने दीदी अंजलि के पास गया। तुम रो क्यों रहे हो? उस सौरभ को हर रोज उसके घर वाले नए नए खिलौने खरीद कर देते हैं। वो सब मुझे दिखाता है और मेरा मजाक उड़ाते रहता है। मेरा भी दिल करता है दीदी कि मैं उन खिलौनों के साथ खेलूं। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बताओ तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए, मैं बना कर दूंगी। चिराग यूं जो खिलौने वो सौरभ के पास देखता, अंजलि को उसका वर्णन देता। अंजलि मिट्टी का ठीक उसी तरह का खिलौना बनाकर चिराग को देती थी। अंजलि के बनाए हुए खिलौनों के साथ चिराग खुशी खुशी खेलने लगा। कुछ दिनों बाद सौरभ एक मिनी जीप को चलाता हुआ चिराग के पास पहुंचा। देखा मैं क्या लाया हूँ, ये जीप है। मैं इसे चलाता हुआ कहीं भी जा सकता हूँ। इतने दिन तुम मेरे खिलौनों के नकल करके मिट्टी के खिलौने बनाकर खेलते रहे, पर अब क्या करोगे? हा 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 कहकर हंसने लगा। चिराग ने अंजलि को वो सब बात बताई। मैं नहीं जानता दीदी कि तुम क्या करोगी, पर मुझे तुम वो जीप बनाकर दो जो चले बस। ये बात नहीं है चिराग, चलने वाले जीप को। यूं कुछ कहने ही वाली थी। जब तक मुझे चलने वाला जीप बनाकर नहीं दोगी, ना मैं खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। अंजलि बेचारी कुछ कह नहीं पाई और उसने सिर पकड़ लिया। वो अपने भाई की इच्छा पूरी करने के लिए 10 दिन तक मेहनत करती रही और अपने भाई के लिए एक मिट्टी का जीप बनाया। उसे देखते ही खुशी के मारे चिराग उछलने लगा, जोर से ताली बजाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी प्रतिभाशाली हो। अब तुम देखती जाओ, ये देखकर सौरभ कैसे जलता है। चिराग उस मिट्टी के जीप को चलाते हुए सड़क पर जाने लगा। ये देखकर सौरभ हक्का बक्का रह गया। देखा मेरा क्ले जीप, तुम्हारे प्लास्टिक जीप से बहुत बढ़िया है ये। चिराग सड़क पर वो जीप चलाते हुए जा रहा था। लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। उस जीप को चलाते हुए चिराग पेट्रोल पंप पहुंचा। उसने पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल पंप में भी लोग उसकी जीप को हैरान होकर देख रहे थे। चिराग अपने मिट्टी वाले जीप को चलाते हुए सड़क पर जा रहा था। एक कार काफी तेजी से जा रही थी। सायरन बजाते हुए एक पुलिस जीप उस कार का पीछा कर रही थी। उस कार में से एक व्यक्ति ने पुलिस की जीप पर गोली चलाई। वो गोली पुलिस जीप के टायर में लगी और गाड़ी वहीं रुक गई। जीप में से पुलिस ऑफिसर उतरे और एक पुलिस वाला, धत हाथ लगते लगते ये चोर बचकर निकल गए। चिराग अपने मिट्टी के बने जीप में उस कार का पीछा करते हुए जाने लगा। वो कार जंगल में टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाते हुए एक गुफा के पास जा रुकी। कुछ लोग उस कार में से उतरे और डिक्की में से नोटों के बंडल लेकर गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा में बहुत सारा पैसा और गहने थे। ये सब चिराग ने दूर से देखा। चिराग अपना क्ले जीप चलाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने जो कुछ देखा सब थानेदार को बताया। चिराग के कहे अनुसार पुलिस वाले जंगल में गए और उस गुफा में जाकर उन सब चोरों को गिरफ्तार किया।
वेल डन यंग बॉय, उनके पास बंदूक होने के बावजूद निडर होकर तुमने उनका पीछा किया और उनके ठिकाने का पता लगाया। मैं तुम्हारे नाम की सिफारिश सरकारी इनाम के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें ये मिट्टी वाला जीप मिला कहाँ से? सर, ये मेरी दीदी ने बनाया है। अंजलि की इस प्रतिभा को जानकर सरकार ने अंजलि को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। अपनी सूझबूझ और साहस से एक इंटरनेशनल बैंक चोरों के गिरोह को पकड़ने में पुलिस की सहायता करने के लिए चिराग को सरकार ने 50 लाख रुपए का इनाम दिया। कई साल बीत गए, अंजलि बड़ी होकर विदेश में पढ़ते हुए एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनी। चिराग बड़ा होकर एक आईपीएस ऑफिसर बना।